नमस्कार, स्वागत है आपका कृषि दर्शन में। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। वर्तमान महामारी के इस दौर में भी हमारे किसानों ने कृषि के क्षेत्र में अतुलनीय योगदान दिया है, इसीलिए खेती किसानी से जुड़ी ऐसी जानकारियां इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आप तक पहुंचाते हैं जिनका उचित इस्तेमाल कर हमारे किसान अपने आर्थिक विकास को बल दे सकें। आज के कार्यक्रम में सबसे पहले जानकारी देंगे कि कैसे कृषि अपशिष्ट का इस्तेमाल कर हमारे किसान कामयाबी को हासिल कर सकते हैं और अधिक लाभ कमा सकते हैं। इसके बाद नजर डालेंगे मोती की खेती पर और अंत में बताएंगे आपको प्रधानमंत्री मानधन योजना के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के कार्यक्रम की। सबसे पहले नजर विज्ञान और किसान पर, उसके बाद बात करेंगे कृषि स्टार्टअप की और अंत में देखेंगे फार्मिंग इंडिया। सबसे पहले नजर विज्ञान और किसान पर, जिसमें आज हम आपको बताएंगे कि कैसे हमारे किसान कृषि अपशिष्ट प्रबंधन कर लाभ कमा सकते हैं। हर वर्ष दुनिया भर में 1 अरब 30 करोड़ टन कचरा बर्बाद हो जाता है, जिसमें से बहुत सारा कृषि अपशिष्ट खेत में नष्ट कर दिया जाता है, कुछ मिलों से निकलता है और कुछ हमारी रसोई घर से। अगर अपने देश की बात करें तो हमारे देश में सालाना 35 करोड़ टन कृषि अपशिष्ट पैदा होता है जिसे हम बर्बाद मान लेते हैं, लेकिन आपको बता दें कि इस कचरे से भी करोड़पति बना जा सकता है। कैसे? क्योंकि हमारे वैज्ञानिक कई ऐसी विधियां डेवलप कर रहे हैं जिसका इस्तेमाल कर कचरे को कंचन में तब्दील कर सकते हैं। आइए देखते हैं इससे जुड़ी ये रिपोर्ट। कृषि कचरा जिसे हम बेकार की वस्तु मानकर खेतों में जला देते हैं या रसोई से निकालकर कूड़े में फेंक देते हैं, वास्तव में बड़े काम की चीज है। नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय का अनुमान है कि इस कचरे से हरी खाद के अलावा हर साल 18,000 मेगावाट बिजली पैदा हो सकती है। अगर पूरी दुनिया की बात करें तो साल भर में खाने योग्य करीब 1 अरब 30 करोड़ टन खाना बर्बाद हो जाता है। साथ ही बायोडिग्रेडेबल यानी खुद से सड़ जाने वाला नगर पालिका ठोस अपशिष्ट का बड़ा हिस्सा हमारे घरों से निकलता है, उसमें भी ज्यादा योगदान रसोई का है। अकेले आलू को ही ले लीजिए, दुनिया भर में हर साल करीब 1 करोड़ 20 लाख टन आलू बर्बाद हो जाता है। भारत में भी नष्ट हो जाने वाले आलू का वजन 20 लाख टन है। भारत सरकार ने साल 2014 में जब स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया तो कृषि अपशिष्ट को कामयाब बनाने पर भी गंभीरता से विचार हुआ। खास तौर से ऐसे उत्पाद तैयार करने का विचार आया जो या तो इंसानों के काम आ सके या पशुओं के या फिर फसल के। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने इसमें बड़ी भूमिका निभाई। परिषद के सभी संस्थानों ने कृषि विज्ञान केंद्रों के साथ मिलकर ऐसी प्रसंस्करण तकनीक पर काम शुरू किया जो कचरे से पैसा बना सके। जूट के अपशिष्ट को किसान या तो जला देते हैं या फिर खेत से बाहर कहीं फेंक देते हैं। ICAR ने ऐसी तकनीक विकसित की है जो इसे कागज में तब्दील कर देती है। इस कागज को बेचकर पैसा बनाया जा सकता है। मशीन के जरिए जब धान से चावल निकाला जाता है तो बहुत सा चावल टूट जाता है। इसी तरह दलने के दौरान दाल भी टूट फूट जाती है। टूटे दाल चावल से भी कई तरह के उत्पाद बनाए जा सकते हैं। तिलहनी फसलों से तेल निकलने के बाद जो खली बचती है वो भी बड़े काम की है। खास तौर से मूंगफली की खली से 25% और सोया मील से 35% प्रोटीन निकल आती है। मूंगफली का छिलका भी मुर्गियों के आहार के रूप में इस्तेमाल हो रहा है। भारत में हर साल लगभग 20 लाख टन छिलका मुर्गियां खा रही हैं। दूसरी ओर ये सेलुलोज का भी बड़ा माध्यम है। मक्का के भुट्टे से भी प्रोटीन प्राप्त की जा सकती है और सबसे अनोखी बात ये भी है कि इसे कुल्हड़ बनाने की तकनीक भी विकसित कर ली गई है। अगर आने वाले समय में आपको किसी जिस स्टॉल पर मिट्टी के बजाय भुट्टे के कुल्हड़ में चाय पीनी पड़े तो चौंकिएगा नहीं। चीनी मिल में गन्ने की पिराई के बाद जो अपशिष्ट होता है उसमें मिट्टी के भौतिक गुण पाए जाते हैं। इसका कंपोस्ट बनाकर फसलों को पोषण के रूप में दिया जा सकता है। अपने आप गल सड़ जाने वाला सबसे ज्यादा अपशिष्ट रसोई से निकलता है। इसमें खाद बनाने की तकनीक भी विकसित कर ली गई है। कपास की टहनियों को भी किसान आमतौर पर जलाने में इस्तेमाल करते हैं, जबकि इसका उपयोग ऑयस्टर मशरूम उगाने में भी किया जा सकता है। भारत में सालाना 13 लाख टन अनानास का कचरा बेकार ही चला जाता है, जबकि इसमें 65% से 70% नमी और 50% के आसपास शुगर होती है। साइलेज तकनीक की मदद से इसे पशु चारे के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसी के साथ यहाँ वक्त हुआ है कृषि दर्शन में छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कृषि स्टार्टअप की। कहीं मत जाइएगा, बने रहे कृषि दर्शन के साथ। छोटा सा ब्रेक। का
कोरोना वायरस के खतरे से बचते हुए फसल की कटाई, बिक्री, खरीद, नई फसल की जुताई और बुआई सुरक्षित हो सकती है अगर हम लगातार हाथों को साबुन और साफ पानी से नियमित अंतराल पर धोते रहें। नाक मुंह को मास्क, गमछे या कपड़े से ढक कर रखें। आंख, कान, नाक, मुंह न छुए। आपस में 2 गज की दूरी बनाए रखें। मास्क और 2 गज की दूरी के मंत्र को अभी हमें छोड़ना नहीं है। फसलों की बुवाई एवं कटाई करते समय आपस में कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें। फसल की कटाई करने के बाद छोटे छोटे ढेरों में इकट्ठा करें। कृषि के औजारों की समय समय पर सफाई करें। एक दूसरे के साथ औजारों की अदला बदली न करें। श्रमिकों के शौचालयों और हाथ धोने की जगह की ठीक से सफाई जरूरी है। बुआई, कटाई एवं मड़ाई के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि इन स्थानों के आसपास कोई थूके नहीं। कंबाइन, हार्वेस्टर, थ्रेशर, जुताई और बुआई की मशीनों को इस्तेमाल से पहले साफ करें। मशीनों के इस्तेमाल से पहले और इस्तेमाल के बाद हाथ साबुन से साफ करें। वाहनों, बोरियों, थैलियों और पैकिंग के दूसरे सामान की साफ सफाई पर भी खास ध्यान दें। खरीद केंद्र पर आने से पहले किसानों एवं श्रमिकों की जांच। खरीद केंद्रों पर भीड़ न लगाएं एवं किसानों को बारी बारी से बुलाएं। गोदामों पर खरीदी हुई फसल को लेने में शीघ्रता करें ताकि किसानों एवं श्रमिकों को रुकना ना पड़े। कोरोना के खतरे से बचाव और अधिक जानकारी के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। देश में खाद्य सुरक्षा के ये सिपाही भोजन की निरंतर उपलब्धता को सुनिश्चित करते हैं। किसान स्वस्थ रहें तभी हम कोरोना वायरस से जीत पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। किसान सबल, देश प्रबल। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कृषि दर्शन। आइए अब नजर डालते हैं कृषि स्टार्टअप पर, जिसमें आज हम आपको बताएंगे मोती की खेती के बारे में। लंबे समय से हमारे किसान पारंपरिक खेती करते आ रहे हैं, यानी सब्जियों और अनाजों की खेती। लेकिन आज के समय में अधिक लाभ के लिए हमारे किसान कुछ हटकर कुछ अलग करना चाहते हैं, और ऐसे में उनके सामने एक अच्छा विकल्प है, मोती की खेती। जी हाँ, मोती की खेती से कैसे हमारे किसान मालामाल हो सकते हैं और कैसे उनके आर्थिक विकास में मोती की खेती से मदद मिल सकती है, आइए जानते हैं अपने इस रिपोर्ट में। मोती एक प्राकृतिक रत्न है जो सीप से पैदा होता है। बाहरी कड़ों के सीप के अंदर प्रवेश करने से मोती का निर्माण होता है। मोती तैयार होने में लगभग 14 माह का समय लग जाता है। मोती की गुणवत्ता के अनुसार उसकी कीमत होती है। एक सामान्य मोती का दाम 300 से 1500 रुपए तक होता है। वही डिजाइनर मोती के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 10000 रुपए तक का दाम मिल सकता है। मोती की मांग घरेलू के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हमेशा ही बनी रहती है। मोती की खेती से लाभ होता देख किसान मोती की खेती में रुचि लेने लगे हैं। किसान कृत्रिम मोती की खेती करने लगे हैं, जो कि वैज्ञानिक विधि द्वारा की जाती है। इसीलिए अगर इसे प्रशिक्षण लेकर किया जाए तो अच्छी गुणवत्ता वाले मोती की खेती की जा सकती है, जिसे बाजारों में बेचकर मुनाफा कमाया जा सकता है। मोती की खेती के लिए सबसे अनुकूल समय शरद ऋतु यानी अक्टूबर से दिसंबर तक का समय माना जाता है। इसकी खेती के लिए भूमि की जगह तालाब की जरूरत पड़ती है। तालाब में सीप के माध्यम से मोती की खेती की जाती है। इस तरह की मोती को हम अपने इच्छा के अनुसार आकृति एवं रूप प्रदान कर सकते हैं, जो कि प्राकृतिक मोती में संभव नहीं होता। मोती उत्पादन के लिए जितना जरूरी उसके उत्पादन करने की विधि को जानना है, उतना ही जरूरी उसके रख रखाव एवं सामग्री का चुनाव करना भी होता है। मोती उत्पादन की शुरुआत 10x10 फीट वाले तालाब से कर सकते हैं। इससे बड़े आकार के भी तालाब हो सकते हैं, जिनसे कम से कम 1000 सीपों के साथ मोती का उत्पादन शुरू किया जा सकता है। सबसे पहले हमें सीपों को इकट्ठा करना होता है। इनको नदियों, तालाबों आदि से प्राप्त किया जा सकता है और इसे खरीद भी सकते हैं।
10 से 15 दिनों तक आपको सर्जरी करने से पहले उसे उस पानी में रखना होता है। सीपों को सर्जरी करने के लिए पहले इसे पानी से निकालकर कुछ देर तक इसको एक ट्रे में थोड़ा पानी इसके मुंह को ऊपर की ओर करके रखें, जिससे सीपों की सर्जरी आसान हो जाती है। तालाब में छोड़ने के बाद समय समय पर इसका निरीक्षण करते रहना चाहिए तथा मरे हुए सीपों को अलग कर देना चाहिए। इस प्रकार 12 से 14 महीनों में डिजाइनर बीड की मोती तैयार हो जाती है और गोल मोती के उत्पादन में 2 से 2.5 वर्ष का समय लग जाता है। तो ये थी हमारी विशेष रिपोर्ट मोती तो ये थी हमारी विशेष रिपोर्ट मोती की खेती या फिर कहें सीप की खेती के बारे में। हमने आपको बताया कि किस तकनीक से हमारे किसान मोती की खेती कर सकते हैं। इसी के साथ ही यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे फार्मिंग इंडिया की। कहीं मत जाइएगा, बने रहे कृषि दर्शन के साथ। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हूँ, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ। ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं, और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-1801551 पर कॉल करें और लॉग इन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। किसान भाइयों, गांठ बांध लो। बहुत बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ, कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत को जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों, गांठ बांध लो। आज ही मिट्टी की जांच कराएं, राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉयल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कृषि दर्शन। आइए अब नजर डालते हैं कृषि जगत की तमाम हलचलों पर फार्मिंग इंडिया सेगमेंट में। हमारे देश में किसानों की बेहतरी के लिए भारत सरकार की तरफ से कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं और उन्हीं में से मानधन योजना हमारे किसानों के भविष्य को सुनिश्चित करने में एक महत्वपूर्ण योगदान निभा सकती है। कैसे मानधन योजना का हमारे किसान लाभ ले सकते हैं और कैसे इस पेंशन योजना से हमारे किसानों का भविष्य और सुरक्षित हो सकता है, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, ये एक पेंशन स्कीम है जो किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ उठा रहे हैं। वे स्कीम में आसानी से आवेदन कर सकते हैं। पीएम किसान स्कीम के तहत सालाना 6,000 रुपए का लाभ उठाने वाले किसान प्रधानमंत्री मानधन योजना के तहत अपने लिए पेंशन की व्यवस्था भी कर सकते हैं। पीएम किसान की तरह ही प्रधानमंत्री मानधन योजना भी छोटे और सीमांत किसानों के लिए है। मानधन स्कीम के तहत किसानों के लिए सरकार पेंशन की व्यवस्था करती है। इसके लिए किसानों को हर महीने एक राशि का भुगतान करना होता है। पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम से जुड़े किसानों के लिए प्रधानमंत्री मानधन योजना से जुड़ना आसान है, क्योंकि प्रधानमंत्री मानधन योजना में पीएम किसान का लाभ ले रहे किसानों का रजिस्ट्रेशन डायरेक्ट कर दिया जाता है। इसमें जुड़ने के लिए किसानों को किसी भी तरह के दस्तावेज देने की जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री मानधन योजना के तहत 60 वर्ष की उम्र के बाद किसानों को हर महीने पेंशन के रूप में 3,000 रुपए मिलेंगे। देश के छोटे और सीमांत किसान इसमें निवेश कर सकते हैं। निवेश करने वाले लाभार्थियों की आयु 18 से 40 साल होनी चाहिए। 2 हेक्टेयर या इससे कम कृषि योग्य भूमि वाले किसान ही इस स्कीम के तहत निवेश कर सकते हैं। अगर लाभार्थी की किसी कारणवश मौत हो जाती है तो स्कीम के तहत मिलने वाली पेंशन
लाभार्थी की पत्नी को मिलेगी। हालांकि पेंशन राशि की रकम आधी यानी 1,500 रुपए होगी। किसान को हर महीने 55 रुपए या सालाना 660 रुपए जमा करने होंगे। इसके बाद वो 60 साल की उम्र के बाद 3,000 रुपए की पेंशन का लाभ ले सकता है। तो अभी आपने देखी विशेष रिपोर्ट मानधन योजना से जुड़ी हुई। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं मोबाइल ऐप की। जी हाँ, इस भाग में हम आपको दिखाते हैं ऐसे मोबाइल ऐप्स की जानकारी जिसे हमारे किसान अपने फोन पर डाउनलोड कर कृषि संबंधी अलग अलग जानकारियां हासिल कर सकते हैं, उनका लाभ ले सकते हैं। इसी कड़ी में आज हम आपको बताने वाले हैं ई नैम मोबाइल ऐप के बारे में। आइए देखते हैं इससे जुड़ी हमारी रिपोर्ट। राष्ट्रीय कृषि बाजार यानी ई नाम मुख्य रूप से एक राष्ट्र एक बाजार की अवधारणा पर आधारित ऑनलाइन कृषि व्यापार पोर्टल है। आज से 5 साल पहले यानी 14 अप्रैल को खुद प्रधानमंत्री ने ई नाम की शुरुआत की थी। उस समय सिर्फ 21 मंडियों को ही इसमें शामिल किया गया था और सिर्फ चुनिंदा फसलों की ही बिक्री की अनुमति थी। लेकिन आज 18 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों तक इसका विस्तार हो चुका है और 150 फसलों को इस पर खरीदा और बेचा जा सकता है। देश भर की 1000 मंडियां इससे जुड़ चुकी हैं और पंजीकृत किसानों की संख्या 1,70,00,000 को पार कर गई है। इसी तरह 1,63,000 व्यापारी और 90,980 कमीशन एजेंट भी ई नाम पर मौजूद हैं। आप चाहें तो किसान उत्पादक संगठन यानी FPO बनाकर भी ई नाम पर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। फिलहाल 1,841 FPO ई नाम में शामिल हैं। आंकड़े बताते हैं कि पिछले 5 साल में 4,31,000 टन फसलों का व्यापार ई नाम के माध्यम से हुआ है, जिसकी बाजार कीमत 1,30,753 करोड़ रुपए है। इस हिसाब से देखा जाए तो ई नाम का पहले 5 साल का सफर कामयाब रहा है। इन्हीं कामयाबियों को देखते हुए सरकार और 1,000 मंडियों को ई नाम से जोड़ने का इरादा रखती है। किसानों के लिए ई नाम पर मुख्य रूप से 4 फायदे हैं। पहला, इस पोर्टल पर कारोबार में पारदर्शिता दिखाई देती है और किसानों को बेहतर भाव की संभावना बढ़ती है। पारदर्शिता का मतलब ये हुआ कि किसानों के साथ धोखाधड़ी की संभावना कम हो जाती है। दूसरा फायदा ये है कि अन्नदाता की पहुँच ज्यादा मंडियों और व्यापारियों तक हो गयी है। तीसरे, मंडियों में आवक और भाव की तुरंत जानकारी मिल जाती है। और चौथा, भुगतान बहुत जल्दी हो जाता है और पैसा सीधे किसान के खाते में जाता है। इनाम से पहले मंडी समितियों के तहत एक ही राज्य की 2 मंडियों के बीच खरीद फरोख्त हो सकती थी। इनाम ने इस बंधन को तोड़ा है और अब किसान कहीं भी अपनी फसल बेच सकते हैं। इनाम मौसम की भी जानकारी उपलब्ध कराता है, यानी किसान को घर बैठे ही पता चल जाएगा कि जिस शहर में वो फसल बेचने जा रहा है वहाँ मौसम खराब तो नहीं है। पिछले साल लॉकडाउन के दौरान किसानों को मंडियों तक उपज पहुंचाने में दिक्कत हो रही थी। इसी को ध्यान में रखते हुए किसान रथ ऐप की शुरुआत हुई। इस ऐप पर परिवहन के साधनों की जानकारी है। जिस किसान के पास परिवहन के साधन है और वो उनके माध्यम से कमाई करना चाहते हैं, तो इस ऐप पर पंजीकरण करा सकते हैं। इसी तरह जिन किसानों के पास फसल है लेकिन परिवहन की सुविधा नहीं है, वो यहाँ से ढुलाई का इंतजाम कर सकते हैं। किसान रथ को भी ई नाम से जोड़ा गया है। ई नाम ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां पर किसान और व्यापारी एक साथ मौजूद रहते हैं। किसान को जहां भी बेहतर भाव मिलता है वहीं फसल बेच सकता है। बस आपको ई नाम की वेबसाइट पर जाकर अपना पंजीकरण कराना होगा। पंजीकरण बिल्कुल मुफ्त है। नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट ई नाम। नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट यानी ई नाम भारत सरकार द्वारा प्रवर्तित एक अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है। नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट कृषि जिन्सों के लिए एकीकृत राष्ट्रीय बाजार बनाने के लिए मौजूदा मंडियों को नेटवर्क करता है। इतना ही नहीं, ये ऐप का काम व्यापारियों द्वारा दूरस्थ बोली लगाना और किसानों तक पहुँच सुनिश्चित करना है। इसी के साथ साथ व्यापारियों के स्मार्टफोन पर किसानों और अन्य हितधारकों के लिए संबंधित जानकारी पहुंचाना भी इस ऐप के कार्यों में शामिल है। ई नाम मोबाइल ऐप व्यापारियों द्वारा बोली लगाने की सीमित सुविधाओं और ENAM पर व्यापार से संबंधित सूचना देने के लिए जारी किया गया है। ई नाम ऐप के जरिए व्यापारियों के लिए सीमित कार्य उपलब्ध है। व्यापारी व्यापार के लिए उपलब्ध स्लॉट के लिए बोली लगा सकते हैं।
इसके अलावा एक नई बोली दर्ज कर सकते हैं या अंतिम बोली का मूल्य बदल सकते हैं। इसी के साथ ही आज के हमारे इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। कृषि दर्शन आपका अपना कार्यक्रम है, अगर आपके कोई सुझाव है, कोई सवाल है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, हमें पत्र लिख सकते हैं। हमारा ईमेल पता है krishidarshandk@gmail.com। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। आपके ईमेल्स और आपके पत्र का हमें रहेगा इंतजार। जाते जाते आपको ये भी जानकारी दे दें कि आप ये हमारा कार्यक्रम हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। जी हाँ, डीडी किसान के YouTube चैनल से जुड़ने के लिए इस QR कोड को स्कैन करें और हमारे सभी कार्यक्रम हमारे YouTube चैनल पर देखें। इसी के साथ ही यहाँ लेंगे आपसे विदा, लेकिन आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार। बचपन से आपको एक संस्कार और वैल्यू सिस्टम सिखाया आपके परिवार ने, तो उसके बाद राजनीति कैसे हो सकता कि राजनीति हमारा जीन में या ब्लड में था? क्योंकि मेरा फैमिली में मेरा पेटर्नल और मेटर्नल अंकल्स की तरफ से, मेरा पिताजी की माताजी की तरफ से सब थोड़ा बहुत थे। अच्छा। हमारे जैसा इतना नहीं थे, लेकिन थोड़ा बहुत राजनीति में वो थे। देखिए हमारा खास कार्यक्रम नेत्री, महिला सांसद और उनकी कहानियां, सिर्फ डीडी किसान पर। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की सारी जानकारी देखिए हमारे नए और खास कार्यक्रम सरकार आपके साथ में, 9 अक्टूबर शाम 5:30 बजे। भारतीय खेती में तिलहन का मुख्य स्थान है। देश में तिलहनों में सुधार करने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR ने अप्रैल 1967 में अखिल भारतीय तिलहन समन्वित अनुसंधान परियोजना की स्थापना की थी। पांचवी पंचवर्षीय योजना में तिलहनों, विशेष रूप से राई सरसों पर अनुसंधान कार्यक्रम को और भी सुदृढ़ बनाया गया। 28 जनवरी 1981 को हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार में राई सरसों के लिए प्रथम परियोजना समन्वय इकाई की स्थापना की गई। सातवीं योजना के दौरान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने 1990 में गठित समिति की सिफारिश के आधार पर राज्य कृषि विभाग, राजस्थान सरकार के अनुकूलन परीक्षण केंद्र सेवर भरतपुर में राई सरसों पर आधारभूत, रणनीतिक और अनुप्रयुक्त अनुसंधान संचालित करने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने 20 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र की स्थापना की। फरवरी 2009 को इस केंद्र को सरसों अनुसंधान निदेशालय के रूप में विकसित किया गया।
की रिकवरी के बाद मसल्स, हड्डियां और जोड़ों के दर्द का अटैक। क्या आपको मालूम है गठिया 200 से ज्यादा प्रकार का हो सकता है? जब बढ़ती उम्र के साथ कमजोर पड़ने लगे हड्डियां और जोड़ों में दर्द के अलावा भी इसके बहुत सारे लक्षण हो सकते हैं। जब चटाक से टूट जाएं आपकी हड्डियां, हो सकता है रूमेटाइड अर्थराइटिस। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि दवाओं से गठिया का इलाज पूरी तरह संभव है। विश्व अर्थराइटिस दिवस पर विशेष, ताकि गठिया ना बांध दे जिंदगी में गांठ, जोड़ों में दर्द कारण और उपचार। इस शनिवार स्वस्थ किसान लाइव शाम 6 बजे हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-11-3060, 1800-11-3061, सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। T20 वर्ल्ड कप के धुरंधर होंगे आमने सामने, दाव पर क्रिकेट के सबसे रोमांचक फॉर्मेट की बादशाहत। किसके बल्ले से निकलेगा जीत का छक्का और किसकी गेंदों से बल्लेबाजों के सपने होंगे तार तार। सुनिए T20 वर्ल्ड कप के हर रंग आकाशवाणी के संग। पर गुस्से की वजह क्या है? वो मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। कुकर्णी भाव को बुलाओ। उसे वो नहीं करना चाहिए जो वो करने जा रहा है। किसकी बात कर रहे ठाकुर? आज मैं अपनी नौकरी से इस्तीफा दे रहा हूँ। थाना जी, तुमको कोई लगता है बहम हुआ है? ओ, अब समझा। अपने आप को महान सिद्ध करने के लिए जानवरों और पक्षियों के साथ भोजन। राम जी भला करेंगे। विज्ञान ने बदली किसानों की तस्वीर। देश के युवा वैज्ञानिकों के अनुसंधान से मिल रही है किसानों को नए नए तकनीकें। नए आविष्कारों से खेती हुई आसान। बदल रही है भारत के किसानों की तकदीर और उनकी तस्वीर। सरकार भी दे रही किसानों का साथ। प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के ऑफिस के सहयोग से इफको और डीडी किसान ले आ रहे हैं आपको एक नया कार्यक्रम, नया भारत के नया किसान। नए भारत का नया किसान 11 अक्टूबर से हर सोमवार रात 8 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। बदलते भारत की शान।